हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे और स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, सितंबर मंथ आ चुका है। आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट था कि सर, जो आपने अगस्त मंथ में कोड दिया है वो कोड सितंबर मंथ में नहीं काम कर रहा है और फ़ोन अनलॉक नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका फिर से एक न्यू और इंटरेस्टेड वीडियो पर, क्योंकि फ्रेंड सितंबर का कोड आ चुका है और आपको वो कोड मैं आज प्रोवाइड भी करूंगा। फ्रेंड, तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास रेडमी एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, बोले तो एमआई एंड्रॉयड स्मार्टफोन, और वो एंड्रॉयड स्मार्टफोन में आप कुछ इस प्रकार से पासवर्ड लॉक लगा दिए हैं या पैटर्न लॉक लगा दिए हैं या पिन लॉक लगा दिए हैं और आप अपना लॉक को भूल चुके हैं, तो फ्रेंड आपका फ़ोन इस प्रकार से लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा है। ये मैं आपका प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, आप बहुत ही परेशान हो गए। लेकिन फ्रेंड, आपने इस वीडियो को ओपन किया है तो आप हमेशा एक बात याद रखना, ये चैनल ओनली अनलॉक है और यहाँ पे जो भी वीडियो ओपन होगा आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर देके जाएगा। तो फ्रेंड, आपने इस वीडियो को ओपन किया है तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आप सीख जाइएगा आपको अपना रेडमी अनलॉक कैसे करना है, वो भी विदाउट डाटा लॉस और बिना सर्विस सेंटर गए हुए। फ्रेंड, तो आइए फ्रेंड मैं इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला वर्क आपको होगा अपने स्क्रीन के ऊपर ऐसे स्वीप अप करना। जब इस तरह से आप अपने स्क्रीन के ऊपर स्वीप अप करोगे तो इस तरह के दृश्य आपको अपने स्क्रीन पर दिखेगा। आप कहीं पर वर्क नहीं कर सकते हो, कहीं भी क्लिक करोगे तो काम नहीं करेगा। यहाँ क्लिक कीजिएगा तो आपका फ़ोन में गलत पासवर्ड है, जो आप सही पासवर्ड भूल चुके हो तो वो रॉन्ग पासवर्ड शो करेगा। तो फ्रेंड, आप एक ही जगह पे वर्क कर सकते हो, जो कि है यहाँ पे इमरजेंसी कॉल, सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे, जीरो के नीचे। तो फ्रेंड, आप इमरजेंसी कॉल पे क्लिक कर लीजिएगा। जब इमरजेंसी कॉल पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का न्यू दृश्य आएगा, जो न्यू डायलेट इसको आप बोल सकते हैं, चाहे न्यू कीपैड आप बोल सकते हैं इसको। तो फ्रेंड, आपको इस न्यू डायलेट में सबसे पहले FRP कोड का इस्तेमाल करना है। ये कोड के बारे में आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड, आपको सबसे पहले FRP कोड का इस्तेमाल करना है ताकि आपके फ़ोन में जो भी ईमेल आईडी वगैरह वगैरह हो उसको ब्रेकअप कर दे। तो फ्रेंड, ये कोड जो आपको मैं दे रहा हूँ 8952774239#, फ्रेंड इस कोड का नाम होता है FRP कोड। इस कोड का काम यही होता है कि आपके फ़ोन में जो भी ईमेल आईडी हो वगैरह वगैरह उसको टोटली तरीके से ब्रेकअप कर देना। इस कोड को फ्रेंड आपको 4 times कॉल करना है ताकि ये कोड रनिंग करे और अपना वर्क कंप्लीट कर सके। तो इसको आप 4 times कॉल कैसे करोगे, जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे कॉल पे तो कॉल फेल्ड द नंबर इज नॉट एन इमरजेंसी नंबर का मैसेज आएगा, उसको क्लिक कर देना ओके। ये हो गया 1 time, ये हो गया 2, 3, 4। 4 times कॉल करने के बाद फ्रेंड इस कोड को आप एक एक करके हटा लीजिएगा। जब आप इस कोड को एक एक करके हटा लीजिएगा तो आपका इस कोड से अभी तक ना ही तो डाटा सेफ हुआ है और ना ही तो आपका फ़ोन अनलॉक हुआ है। बस हुआ है तो ये कि आपके फ़ोन का जो भी ईमेल आईडी है वो अब रिमूव हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है। तो फ्रेंड, अब आपको तुरंत मैं सेकेंड कोड भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये सेकेंड कोड का नाम होता है फ्रेंड ऑफलाइन मूड कोड, *#9##, इस कोड का नाम होता है फ्रेंड ऑफलाइन मूड कोड। इस कोड का वर्क होता है आपका डाटा सेफ करना, इस कोड का वर्क होता है डाटा सेव करना। तो फ्रेंड, इस कोड को आप वही फ़ोन में डायल कीजिए जो फ़ोन आपका लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा है, उस फ़ोन पे डायल कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं लिख लीजिए, ताकि ये कोड आपसे गलती से डिलीट भी हो जाए या हट जाए। ऐसा बहुत लोगों का कंप्लेंट भी आता है कि कॉल करते हैं और ये कोड गायब हो जाता है। तो ऐसा आपके साथ हो जाए तो आप दोबारा से वो कोड देख के अपना फ़ोन में डायल कर सकते हो। इस कोड को फ्रेंड 3 times आपको कॉल करना है ताकि ये कोड अपना वर्क कर सके। 3 times कैसे कॉल करना है, ठीक उसी प्रकार जैसे पिछले टाइम किए थे, 1, 2 and then 3। 3 times कॉल कर लोगे फ्रेंड तो इस कोड को डायरेक्ट हटा लीजिएगा, डायरेक्ट। उसके बाद *#8952739745698*#Google मास्टर अनलॉकिंग कोड,
आप इस कोड के बारे में सुने होंगे फ्रेंड। इस कोड के माध्यम से आप सिर्फ सितंबर मंथ तक ही किसी भी रेडमी फ़ोन का लॉक तोड़ सकते हैं। इस कोड के माध्यम से सिर्फ सितंबर मंथ तक ही इस कोड को 6 टाइम आपको कॉल करना है, बोले तो 6 बार, ठीक उसी प्रकार जैसे पिछले टाइम किए थे, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 6 टाइम जब आप कॉल कर लिए हो तो इस कोड को डायरेक्ट हटाइए। होम बटन है, होम बटन पे क्लिक कीजिए, या स्वीप अप है तो स्वीप अप कीजिए। यहाँ पे होम बटन है तो मैं होम बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हो कि ये फ़ोन सच में अनलॉक हो चुका है, और इस फ़ोन का डाटा भी आप देख सकते हो फ्रेंड कि इस फ़ोन का एक भी डाटा इरेज नहीं हुआ है। अगर आप अभी सर्विस सेंटर जाते हैं पैसा देना पड़ता, समय देना पड़ता, और ये डाटा भी आपको देना पड़ जाता क्योंकि सर्विस सेंटर वाले डाटा नहीं छोड़ते हैं। तो आई होप फ्रेंड कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड अगर पसंद आया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसा वीडियो मैं बनाता रहूँ और वो डायरेक्ट आपके पास पहुँचता रहे। फ्रेंड तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।